इस वीडियो लेक्चर में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बात करेंगे। आमतौर पे ये लेक्चर टेक्स्ट बुक्स और टीचर्स जनरली पहले दूसरे या तीसरे क्लास में इसे कंप्लीट करते हैं, लेकिन हमने इसे ऑलमोस्ट यूनिट के अंत में रखा है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ये ज़रूरी इसलिए था क्योंकि इसमें डिस्कशन होगा मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी। अगर मैं पहले बता देता, जब आपका आइडिया ही नहीं हो मेमोरी क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, तब ये कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा आपको मुश्किल लगता। लेकिन आप ऑलरेडी हमने बेसिक्स कवर कर लिया है तो भी आप कॉन्सेप्ट बड़ी आराम से समझ सकते हो। तो आप सबको पता होगा कि हम जिस युग में हैं उसे एज ऑफ इंफॉर्मेशन या कंप्यूटर युग भी कहते हैं, क्योंकि आप सारे स्टूडेंट्स का जन्म हुआ है 2000 साल के बाद ही। तो आपको लगता होगा कि हमेशा कंप्यूटर्स इतने पावरफुल थे, इतने ही काम कर सकते हैं, क्योंकि आप लगभग उस फेज में ग्रो कर चुके हो जब कंप्यूटर्स आपके आसपास सराउंडेड थे, मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स, पीसीज, लैपटॉप्स। लेकिन जब हम पढ़ रहे थे, हमने पहली बार कंप्यूटर देखा जब हम इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आए, और हमें कंप्यूटर हिस्ट्री, फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर हिस्ट्री एक मेजर सब्जेक्ट था जिसने हमें कंप्यूटर का डेवलपमेंट काफ़ी पढ़ लिया। तो इसलिए अभी इस सेशन में हम क्या करेंगे, हम आपको एक ब्रीफ डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, पिछले 70-80 साल में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है, टेक्नोलॉजी कैसा चेंज हुआ। इससे फ़ायदा ये होगा, आपको अंदाज़ा होगा कि पहले के कंप्यूटर आज जैसा बिल्कुल आज के करीब थोड़ा भी पावरफुल नहीं थे, और आपको एक एप्रिसिएशन मिलेगा कि उस समय के प्रोग्रामर कैसे काम कर सकते थे जब आपको इतने फैसिलिटीज होने के बाद फिर भी आप स्ट्रगल करते हो कभी कभी, ठीक है। तो जब हम कंप्यूटर का जनरेशंस बताएंगे, यानी एवोल्यूशन या डेवलपमेंट बताएंगे पिछले 70-80 साल में, बेसिकली डिस्कशन होगा कि कैसे स्पीड बढ़ा, कैसे रिलायबिलिटी बढ़ा, ठीक है, कैसे कॉस्ट रिड्यूस हो गया, कैसे फास्टर हो गए, ठीक है, कैसे सस्ता हो गए, कैसे वो बहुत सारे काम कर सके। मतलब पहले के कंप्यूटर सिर्फ एक काम एक ही समय कर सकते थे, आजकल हजारों काम कंप्यूटर एक साथ कर सकता है। तो ये सारे डिस्कशन होंगे दो पार्ट वीडियोस में। पहले पार्ट में मैं आपको डेवलपमेंट पहले 20-25 साल में क्या हो उसके बारे में बताऊंगा। सेकेंड वीडियो में रफली 1965-66 से आज तक क्या चेंजेस हुए उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे अगर आप महत्वपूर्ण चीज देखोगे 1940 या 1940 के करीब से आज तक, पहले कंप्यूटर्स केवल बड़े कंपनी, गवर्नमेंट या कॉरपोरेशंस के पास होते थे, लेकिन आजकल कंप्यूटर्स हमारे आसपास यानी बिल्कुल हमें सराउंड कर चुके हैं और हम कंप्यूटर के बीच में हमारा जिंदगी बिता रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को वैक्यूम ट्यूब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। इनका रफ क्लासिफिकेशन है 1942-1956। अगर आप ये एज रेंज देखोगे, थोड़े ऑथर्स एक दो साल पीछे एक दो साल आगे करेंगे, लेकिन ब्रॉडली उनका कॉन्सेप्ट्स वही बताएंगे जो हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था, जैसे आपके मॉडर्न सर्क्यूट्स में हम ट्रांजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं, तब ट्रांजिस्टर्स नहीं वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किया जाते हैं सर्क्यूट बनाने के लिए। अगर आपके पापा मम्मी हो या कोई पुराना रिश्तेदार हो, उसे पूछिए पुराना ट्रांजिस्टर जो इतना बड़ा था, लगभग मतलब इतना बड़ा और इतना मोटा था, उसमें सारे वैक्यूम ट्यूब्स के होते थे और सिर्फ रेडियो उसी पे सुनाया जाता जब टीवी से पहले। ये मैं एक बात कर रहा हूँ 1970-75 की बात, वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी ट्रांजिस्टर्स यानी बड़े रेडियो चलते थे। अभी मेन मेमोरी के लिए क्या किया जाता था, एक मेमोरी ड्रम यूज़ किया जाता या मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम मतलब क्या, एक सिलेंडर शेप्ड ऑब्जेक्ट होता, चाहे मेटल हो या किसी चीज़ का, उसके ऊपर वो क्या करते थे, फेरोमैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक मटेरियल का कोटिंग करते थे, जैसे हार्ड डिस्क में कोटिंग होता है। और हार्ड डिस्क की तरह ही रीड राइट हेड होते थे, उस रीड राइट हेड से पता चलता था कि एक बिट 1 है या 0 है। तो मैग्नेटिक ड्रम के ऊपर जब हम मटेरियल कोट करते
तो बेसिकली उसके ऊपर हम डेटा स्टोर कर सकते थे। तो मैग्नेटिक ड्रम के द्वारा प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी और थोड़ा बहुत सेकेंडरी मेमोरी भी मैग्नेटिक ड्रम में स्टोर किया जाता था। सबसे मुश्किल काम ये था क्योंकि अगर छोटी समझ लीजिए आज के जो कैलकुलेटर में पावर है उससे भी कम इन कंप्यूटरों में पावर था, फिर भी इनके साइज रूमों भरते थे, मतलब 200-300 फुट के स्क्वायर फीट के रूम भरते थे क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स काफ़ी बड़े होते हैं, इतने बड़े दिखते हैं। और वैक्यूम ट्यूब्स आपको ब्रीफली बताऊं कैसे ऑपरेट होते हैं, इनमें होता है एक एनोड और एक कैथोड, ठीक है। जब हम एक हीटिंग एलिमेंट स्टार्ट करेंगे, जब हीटर ऑन करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कैथोड से एनोड तक, ठीक है। इसी कारण हम उसे सर्क्यूट में यूज कर सकते हैं टू स्टेट के लिए, ऑन और ऑफ स्टेट के लिए। इनका प्रॉब्लम क्या था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे और क्योंकि हम वैक्यूम ट्यूब को हीट भी कर रहे, काफ़ी एक्स्ट्रा हीट जनरेट करते थे। और आपको पता होना चाहिए अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में काफ़ी हीट जनरेट होगा उनका ब्रेकडाउन होने का चांसेस बहुत है, तो ये काफ़ी ब्रेकडाउन भी होता था मशीन्स का, हीट जनरेट होता था और रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ता था इनका। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे एंगल से, अगर कंप्यूटर से बात करनी है, कुछ काम करवाना है, तो हमें बेसिकली वंस एंड जीरोस यानी मशीन लैंग्वेज में हमें काम करना पड़ता था। प्रोग्रामर एकदम सोफिस्टिकेटेड या बहुत ही कम प्रोग्रामर होते थे जो वंस एंड जीरोस में कंप्यूटर से बात कर सकते थे। इन कंप्यूटर का और एक विशेषता ये था, एक समय पे एक ही काम कर सकता था। समझ लीजिए आज के कंप्यूटर में मैं एक प्रोग्राम भी रन कर सकता हूँ, प्रिंट भी कर सकता हूँ, विंडो ये वेब भी ब्राउज कर सकता हूँ, तब वैसे नहीं कर सकते थे आप, बेसिकली एक काम एट अ टाइम। और आपके नॉलेज के लिए इनपुट जो दिया जाता था कंप्यूटर को वो पंच कार्ड द्वारा दिया जाता था या पेपर टेप। थोड़ी समय में आपको मैं बताऊँगा पंच कार्ड और पेपर टेप क्या होते हैं। सबसे फेमस और पहला कंप्यूटर इस युग का रहा ENIAC, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर मशीन। तो ये इस युग का ये सबसे बड़ा और फेमस मशीन था। और दूसरा मशीन था एक UNIVAC करके एक मशीन। अब मैं आपको दिखाऊंगा पेपर टेप यानी पंच कार्ड और पेपर टेप से कैसे इनपुट किया जाता है। तो अगर आप यहां देखोगे आपको यहां दिख जाएगा पंच कार्ड और ये है पेपर टेप। जैसे मैंने UNIVAC के बारे में बताया था, UNIVAC एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है हिस्टोरिकली, उसका नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये 1951 में अमेरिका के सेंसस ब्यूरो मतलब जो जनगणती करते हैं उन्होंने पहली खरीदा था ताकि पॉपुलेशन डेटा को फीड करके एनालाइज किया जा सके। अब ये दोनों पंच कार्ड और पेपर टेप का काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ होल मतलब अगर वहाँ पे होल हो या ना हो उस पर पता चल जाता है कि वो कैरेक्टर क्या है। तो समझ लीजिए कुछ सिंपल डॉटेड लैंग्वेज है, अगर उस पॉइंट पे कोई डॉट हो तो हम सोच सकते हो अगर इस पॉइंट पे वो समझ लीजिए ऐसे कॉलम्स है, ठीक है, ऐसे कॉलम्स है, ए का कॉलम है बी सी डी ई एफ जी एच, अगर इस ए के कॉलम पे डॉट है तो तब हम समझ सकते ए कहना चाहता है, अगर बी के कॉलम पे डॉट है यहाँ पे तो हम सोच सकते हैं कि ये बी लिखना चाहता है। तो डॉट या डॉट होने का या डॉट ना होने से हमें पता चल जाता है कि वहाँ कैरेक्टर क्या है। इसी तरह ये पंच टेप भी काम करता है। अब मैं आपको चित्र दिखाऊंगा ENIAC मशीन का। तो ENIAC मशीन जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड इंटीग्रेटर कंप्यूटर, ये चित्र फिलाडेल्फिया में लिया गया था। ये सबसे पहले यूज कर रहे थे बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी फिलाडेल्फिया में। तो अगर आप देख सकते हैं बहुत सारे वायर है, इसके आपको साइज का अंदाजा जा रहा है, यहाँ कूलिंग इक्विपमेंट चल रही है एसी का और यहाँ पे आप वैक्यूम ट्यूब्स का सर्क्यूट्स भी देख सकते हैं। अगर आप इस मशीन को देखोगे शायद आज के स्मार्ट कैलकुलेटर उतना भी पावरफुल नहीं होगा। ENIAC के बाद जिस मशीन को सेंसस ब्यूरो ने खरीदा वो मशीन था UNIVAC 1, ठीक है। अगर आप देखोगे तब से और इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आए, थोड़ा छोटा है कंपेयर टू ENIAC क्योंकि ये थोड़ा लेटर है। और यहाँ पे आप देख रहे हो मैग्नेटिक टेप्स है डेटा स्टोरेज के लिए और यहाँ ऑपरेटर बैठ के पंच कार्ड से इनपुट फीड करेगा। ये ऑपरेटर कंसोल है, ऑपरेटर चेयर है, तो यहाँ ऑपरेटर बैठ के पंच कार्ड कर सकता है या यहाँ पे भी शायद वही है पंच कार्ड है क्योंकि हमने भी ये नहीं देखा है तो हम बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते। दो में से एक से ऑपरेटर इनपुट दे रहा है पंच कार्ड और पेपर टेप से।
अब हम बात करेंगे कंप्यूटर का सेकेंड जनरेशन जो स्टार्ट हुआ 1956 में और उसे एंड किया जाता है, माना जाता है 1963 तक। तो इस सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण चेंजेस ये रहा या चेंज ये रहा कि कंप्यूटर में सर्क्यूट्स के लिए वैक्यूम ट्यूब्स के जगह ट्रांजिस्टर आ गए। ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इसे बहुत ही बड़ा यानी हिस्टोरिक या रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट माना जाता है, क्योंकि आजकल जो हम सब आईसीज जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कर पा रहे हैं वो केवल ट्रांजिस्टर्स की डेवलपमेंट की वजह से ही हो रहा है। तो अब सर्क्यूट्स में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज़ करने लगे, तो इससे फ़ायदा क्या हो गया, ट्रांजिस्टर का साइज छोटा था, पावर बहुत ही कम कंज्यूम करता था, इससे फ़ायदा क्या हो गया, लेस हीट जनरेट होने लगा, मशीन कम ब्रेकडाउन होने लगे, और दूसरी फायदा ये हो गया मशीन छोटा बनने लगे, मशीन फास्टर वर्किंग करने लगे, सस्ता भी होने लगे कंपेयर टू प्राइस एट दैट पर्टिकुलर टाइम। लेकिन अभी भी थोड़े चीज़ कंटिन्यूड थे, जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट देने के लिए हम पंच कार्ड यूज़ कर सकते थे और आउटपुट के लिए वहाँ के उस टाइम के प्रिंटर यूज़ हो जाते थे। लेकिन अगर फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज था, इस जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो गया, तो हम वंस एंड जीरो के बजाय हम सिंबल्स यूज़ करने लगे। तो सिंबल्स यानी टेक्निकल वर्ड में हम उन्हें निमोनिक्स कहते हैं। तो निमोनिक्स के द्वारा हम कंप्यूटर से काम करवाने लगे और कंप्यूटर से बात करवाने लगे। इसी समय पर दूसरा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये था कि काम चलने लगा और वर्क थोड़े बहुत कंप्यूटर्स हाई लेवल लैंग्वेज पे भी वर्क करने हो गए, जैसे फोर्ट्रॉन होगा, जैसे कोबॉल होगा, जैसे अल्गोल होगा। अल्गोल सबसे पुराना लैंग्वेज है, इसी से काफ़ी आगे के लैंग्वेज बेस्ड है या डेवलप हो गए हैं। तो उस टाइम पे इन सारे मशीन इस जनरेशन के हाई लेवल लैंग्वेज पे एग्जीक्यूट कर सकते थे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था, इंस्ट्रक्शंस और डेटा आपके जो मैग्नेटिक ड्रम में थे पिछले जनरेशन में, इस जनरेशन में मैग्नेटिक कोर्स पे चले गए। थोड़ी समय में आपको मैं मैग्नेटिक कोर का मतलब समझाऊंगा। मैग्नेटिक कोर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कम से कम 20 साल 55 टू 75 तक मेन मेमोरी मैग्नेटिक कोर ही होता था। अगर आपको मैग्नेटिक कोर समझना है, बड़ी सिंपल सी बात है, ये रहा मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर मतलब क्या है, ये छोटा सा कैपेसिटी होगा, शायद होगा 1 KB, 2 KB या 3 KB होगा या 4 KB होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका वर्किंग एट हाई लेवल सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। समझ लीजिए ये ट्रांसफार्मर है, इसके अराउंड हमने इलेक्ट्रिक वाइंडिंग्स किए हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक वाइंडिंग्स की है, अगर समझ लीजिए करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तब मैं उसे 1 मान सकता हूँ या ऑन मान सकता हूँ, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है उस वाइंडिंग में तब मैं उसे 0 या ऑफ मान सकता हूँ। तो उसी प्रिंसिपल पे ही कोर मेमोरी काम कर रहा था। उस टाइम का या इस जनरेशन का सबसे फेमस मशीन है IBM 1401। आप देख सकते हो आप फर्स्ट जनरेशन से यहाँ पे साइज काफ़ी कम हुआ है, कंपैरेटिवली छोटा है। मेन मशीन तो यही है, ये शायद अभी पंच कार्ड इनपुट के लिए होगा और ये आउटपुट के लिए होगा, या ये पंच कार्ड इनपुट हो सकता है और ये आउटपुट के लिए हो सकता है, क्योंकि इस डायग्राम में कुछ डिटेल नहीं दिया है और उस समय हम भी नहीं थे इस दुनिया में, तो हम केवल ये चित्र देके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1942 सेकेंड जनरेशन। पार्ट टू में हम आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के बारे में जानकारी देने के लिए कोशिश करेंगे।